प्रतीक निकल जाता निकल रहे अभी हम बाय 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 गुरु बाय आठवन इन रहे आठवन चलो अभी अपन निकल गए ओके बाय 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 फाइनली वी आर ऑन द वे टू पुणे और अभी अपन जस्ट निकले अपने गांव से और मेरे साथ जर्नी में है प्राची प्रतीक और स्वप्निल भाई पंकज और इधर है पंकज भाई और पंकज भाई हमें सेफली पहुंचाएंगे आज और थोड़ी देर में उनका साथ देंगे स्वप्निल भाई और अपन ऐसे ही वीडियो में बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो कुछ होता है जहाँ कहीं रुकते हैं वो सब चीज़ों का अपडेट आपको देते रहेंगे तब तक के लिए हो ती खूप खराब फिलिंग आहे मला मला आज वाटलं आम्ही सगळ्यांना भेटून आलो ना सकाळी मग असं सागर काय म्हणते 2 मिनिटांसाठी असं वाटलं म्हणते का कॅन्सल करावं जाणार पण बापी पेट का सवाल आहे भाई खर्चीस खूप खबर नाही सगळ्यांचं घाबरणं बरोबर आहे आता कसं सवय झालेली आहे याच्यासोबतच राहायचं असत अभी अपन अमरावती में आ गए हैं मौसम ऐसे बहुत ही औसम सा लग रहा है और ये क्लाउड्स ये व्यूज बहुत प्यारे लग रहे हैं अभी हम खाना खाने के लिए रुके और आपको पता ही होगा कि अभी सब रेस्टोरेंट्स एंड ढाबास पूरे बंद है तो हम गाड़ी में ही खाना खाने वाले हैं और जो अपने ड्राइवर भी है उन्होंने अपना खाना लेके आए हुए मैं अभी खा रहा हूँ मोमेड रोल्स का हो गया है खाना और हम लोग निकल रहे हैं आगे की जर्नी के लिए और प्रतीक खाना हो गया बराबर से मस्त हो गया खाना एक नंबर हो गया प्राची ठीक है हाँ तो हम जर्नी शुरू करने वाले हैं और अभी थोड़ा खुद को सैनिटाइज कर लेते हैं ओके स्वप्निल भाऊ झालं जेवण व्यवस्थित एकदम क्लाउड्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे अभी अपनी गाड़ी है रुकी और निकलते अपन बाहर तो कैसा लग रहा है बहुत सही ऑफिस जा रहे फाइनली तो भाई अभी अपन रुके हुए जालना में दावलवाड़ी में पेट्रोल फिलअप कराने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप है और पेट्रोल फिलअप करा के अपन निकलने वाले हैं टिल द टाइम अपने जो ड्राइवर भी है स्वप्निल भाई
वो गए फ्रेशन अप होने के लिए, और जैसे ही वो आते हैं विल टेक दिस राइड एंड गो। अभी अपन खाने के लिए रुके हैं, रात का खाना और ये सब चीज़ें जो घर से लाई हुई थी। यहाँ पे हमने एक प्लेस का अरेंजमेंट किया हुआ है जहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं। इट्स अवे फ्रॉम दिस ढाबा, वी हैव आस्क्ड देम फॉर अ टेबल और उन्होंने यहाँ पे लगा के दिया है। अभी यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खाएंगे फिर निकलेंगे आगे। ऐसा लग रहा है कि कब जल्दी से जल्दी पुणे आ जाए। हो गया और अभी अपन निकल रहे हैं अपनी जर्नी के लिए आगे। शायद तक रात में 3-3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं तब तक मैं ब्लॉग करूंगा नहीं करूंगा। चलो बाय बाय। अभी हम सोसाइटी में पहुंच गए और मैं मेरी नाइट फ्यूरी देखने जा रहा हूँ जो कि बहुत शान से खड़ी हुई है ये यहाँ पे। चलो ऑन करके देखते हैं। लाइट तो शुरू हो गई है, ये परफेक्ट। तो फाइनली वी आर एट होम और सामान भी पूरा ला चुके हैं ऊपर। और आप अगर आपको देखना है सामान कितना था तो ये कूलर मैं जब जा रहा था तब अंकल आए थे तब वो गाड़ी में लेके आए थे, लेकिन बाकी ये जो पूरा सामान है जिसमें राइस आटा और बाकी चीज़ें जो अभी लगने वाली, क्योंकि 15 डेज ऑफ क्वारंटाइन है और हम बाहर जा नहीं सकते। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड नाउ, तो करते हैं कल बात। और भाई जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम रात में तकरीबन 2:30 बजे पहुंच गए। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, इट जस्ट पहले से बहुत अलग थी बिकॉज रास्ते बहुत ज़्यादा खाली थे ड्यू टू करंट सिचुएशंस। बट यस, हमारा जर्नी तो अच्छे से हो गया और वेदर पूरा मिक्स हो रखा था, कहीं बारिश चल रही थी कहीं धूप आ रही थी, और हम पूरे जर्नी में मज़े लेते हुए आए और हमने कई ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लिए जो एंजॉय किए। और फाइनली यस, वी आर इन पुणे नाउ। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।